देखिए बिहार सही में कभी कभी लगता है कि अजूबा एक हिंदुस्तान का राज्य है। ऐसा बहुत सारे स्टेट में ऐसे हुआ होगा, अभी जानकारी ना है, लेकिन मैं जब आज न्यूज पढ़ रहा था तो उसमें एक न्यूज एग्जाम से ही आया कि इसका हेडलाइन ही था कि कुंवारे थे तो भरा था फॉर्म, आप पिता बनकर लगाएंगे दौड़। मतलब क्या हुआ था, जो इसमें पढ़ के मैं बताता हूँ। बिहार के जो भोजपुर जिले में शाहपुर क्षेत्र के राजनाथ एवं दुर्योधन ने 18 वर्ष पहले जब गृह रक्षा वाहिनी, उसको होमगार्ड भी बोलते हैं, में भर्ती के लिए फॉर्म भरा था। उस समय युवा थे, लगभग 25-26 साल के थे, रोज दौड़ का अभ्यास करते थे। अब तक उन दोनों की उम्र लगभग 51 वर्ष पार कर गया है, तब जाकर बहाली के लिए शारीरिक जांच की प्रक्रिया शुरू हो गई है ना। आगे क्या लिखा है कि इसी तरह सुधाकर चौबे फॉर्म भरने के समय लगभग 28 वर्ष के थे, जो अब 47 वर्ष के हो गए हैं। ऐसे ही अधिकतर अभ्यर्थी जो फॉर्म भरते समय तो शादी नहीं किए थे, कुंवारे थे, मगर अब पापा या दादा, कुछ लोग दादा बन गए हैं और शारीरिक दक्षता जांच परीक्षा से गुजरेंगे। नौकरी अब कितने न प्यारी है किसी को, अब तो भारत सरकार ने पेंशन लागू कर दिया है UPS, तब और सब सोचेगा किसी तरह से हमको अब नौकरी मिल जाए सरकार की तरफ से। दरअसल फॉर्म भरने के लगभग 18 वर्ष बाद 301 पदों पर 2 सितंबर से होमगार्ड जवानों की भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता जांच परीक्षा शुरू होने जा रही है, जो 10 सितंबर तक चलेगी। नवीन पुलिस केंद्र आरा में 2 पालियों में जांच परीक्षा ली जाएगी। चयन समिति का गठन कर दिया गया है। इस भर्ती के लिए वर्ष 2006 में विज्ञापन निकला था, तब 21,724 अभ्यर्थियों ने फॉर्म जमा किया था। बाद में कुछ विभागीय कारणों से भर्ती प्रक्रिया टल गया। कुछ अभ्यर्थियों ने ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाया था। लंबी प्रतीक्षा के बाद अदालत के आदेश पर दक्षता परीक्षा ली जा रही है। बता दें कि इससे पहले गृह रक्षा वाहिनी जो होमगार्ड है, 220 पदों के लिए वर्ष 2011 में निकली बहाली की प्रक्रिया वर्ष 2022 में पूर्ण हो गई थी। मतलब इतने सालों बाद अब तो खैर बिहार में पूरा सिस्टमेटिंग मैंने कि रिवेंज मोड ले लिया है, कि ये है कि अब कम से कम वैकेंसी आती है साल दो साल के अंदर, अच्छी तरह से एग्जाम इजली वे में हो रहा है अब कम से कम। तो सुधार प्रक्रिया तो है इस मामले में बिहार में, चूंकि आप पूरे इंडिया के कोई भी स्टेट देख ले, जितना इतनी वैकेंसी नहीं निकालती है, और साथ में ये मैंने इतनी तरह से कम समय में ज्वाइनिंग लेटर तक की सुविधा बिहार में करने जा रही है। तो भले अभी भी थोड़ी बहुत धांधली प्रक्रिया हो रही है, जिसको सरकार ने अभी उस पर ध्यान दे रहा है, ताकि उस पर भी भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई गड़बड़ी ना हो। अब इस वीडियो में कोई एक आध लोगों को बचा होगा अभी, जिसको पता ना होगा कि भाई होमगार्ड की बहाली जब उस समय मैं भरा था, जिसका अब 2 सितंबर से शुरू हो गया है, तो वीडियो आप देख लीजिएगा या आप न्यूज़पेपर देखे होंगे। ऐसे तो कॉल लेटर आया होगा घर तक, तो सही है, इसमें दिया है कि ऑनलाइन निकालना है या घर, पहले घर पहुंचाया करता था डाकिया के द्वारा। अब डाकिया पहुंचाने जाएगा आपको तब तो ठीक है, नहीं तो आपको ऑनलाइन वेबसाइट के द्वारा ही, यानी ऑनलाइन एडमिट कार्ड निकालना होगा। जिनको पता होगा वो तो पहुंचेंगे ही, जिनको ना पता हो वीडियो के थ्रू जान लीजिएगा, समझ गए ना। और कुछ आएगा अपडेट तो हम लोग देखेंगे।